हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वंदना। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है वो है अर्बन क्लैब के लिए। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अर्बन क्लैब की, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों ने वो बहुत पसंद की, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसे कैसे बुक करते हैं, कितना रेट है, मैम आपने कैसे बुलाया। अब उस वीडियो में मैंने हर चीज़ का रेट स्क्रीन पे डाला हुआ है, जितने मेरा अमाउंट लगा है, जितना मैंने पे किया है, क्योंकि अर्बन क्लैब में आप कुछ भी जब एडवांस में बुक करते हैं तो उसमें अमाउंट उसके सामने मेंशन होता है। दूसरा उसमें था कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ऑर्डर करना है। तो अगर आप एक बार अर्बन क्लैब का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप वो आपको अपने आप लेके जाएगा। आप अपने आप एक्सप्लोर करेंगे कि आपको कैसे उसमें, आपको सपोज करो आपका सोफा ड्राइकिंग कराना है, आपको अपना डाइनिंग टेबल की चेयर ड्राइकिंग करानी है, या आपको अपना स्लाइडर या किचन का फैन, एग्जॉस्ट फैन या बाथरूम, जो भी आपको है, आपको डीप क्लीनिंग करानी है, उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो आज जो मैंने अर्बन क्लैब वालों को बुलाया है, वो बुलाया है मैंने अपने सोफे का वैक्यूम कराने के लिए, और दूसरा मैंने बुलाया है अपने जो डाइनिंग टेबल की चेयर है, मेरी दो चेयर्स जो हैं उस पर कुछ स्पॉट्स लग गए हैं जो कि मेरे से नहीं निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं टाइम से ही निकलवा लूँ, क्योंकि मेरे डाइनिंग और जितना मेरा फर्नीचर है वो सारा लाइट कलर का फर्नीचर है। कुछ भी अगर उस पर लगता है तो वो बहुत ही वियर्ड और बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अर्बन क्लैब वालों को बुला के और आज ही अपना सारा काम करा लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने मेरा सोफा वैक्यूम किया और चेयर कैसे क्लीन करी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो सोफ़ा है वो मुझे वैक्यूम क्लीन कराना था, और वो न्यू है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका भी मैंने डाला था वीडियो, आपने देखा ही होगा। तो मुझे जो है वो ऐसा लगता था कि जैसे धूल मिट्टी के लिए मुझे इसको वैक्यूम कराना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अर्बन क्लैब वालों को बुलाया। मुझे सोफ़ा क्लीनिंग नहीं कराना था, सिर्फ वैक्यूम कराना था। तो मैंने जो है, जब भैया आए बुकिंग के बाद, मैंने उनसे बात की कि आप मेरा सोफ़ा चेक कर लीजिए, एकदम नया है, कोई दाग नहीं लगा है, मेरे को सिर्फ वैक्यूम कराना है। तो उन्होंने वैक्यूम क्लीनिंग कर दी मेरे सोफ़े की। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लोग वैक्यूम कर रहे हैं, कुशन वुशन हटा के अच्छे से। और ऐसा हमें लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं लगा है कलर देख के, कि ऐसी कोई धूल मिट्टी नहीं होती। बट वैसे रोज़ आम तौर पे बहुत ज़्यादा जो धूल मिट्टी होती है वो लग जाती है हमारे फर्नीचर पे, और जब आप निकालते हैं तब आपको पता चलता है। और मेरे सोफ़े के अंदर से दो कॉइन्स निकले थे जो मुझे पता भी नहीं था, शायद मेरी डॉटर ने खेलते खेलते डाल दिए होंगे। और जब जो धूल मिट्टी निकलेगी वो डेफ़िनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी कि कितनी निकली। और अभी ये मेरा जो दूसरा वाला है, छोटा वाला सोफ़ा, वो ये लोग वैक्यूम कर रहे हैं, और इन्होंने दोनों ही बहुत अच्छे से वैक्यूम करे। और उसके बाद जिस जगह से इन्होंने हटाया था उस जगह, उसको बहुत अच्छे से वापस लगा दिया। और इसके बाद मैंने इनसे कराई अपनी डाइनिंग की चेयर क्लीन। और ये लोग लेकर आए थे अपने कुछ केमिकल्स जो कि हर बार लेकर आते हैं। मेरे से सिर्फ इन्होंने गर्म पानी लिया था थोड़ा सा, जो छोटी बकेट आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाली चेयर तो ऑलरेडी उसने वॉश कर दी है, सिर्फ वैक्यूम से इसको ड्राई कर रहे हैं और अच्छे से जो भी कुछ है अंदर वो इसका साफ़ कर रहे हैं। अब देखो इनके पास ये जो ब्लू वाला है, ये इनका खुद का ही मॉप है या जो भी टावल था, जहाँ जहाँ फ्लोर पे पानी गिरा है, कुछ गिरा, वो भी ये अपने ही कपड़े से साफ़ करते हैं। और अब इस वाली चेयर को ये लोग वैक्यूम से क्लीन कर रहे हैं। मेरी दोनों ही चेयर एकदम साफ़ हो गई। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी धूल मिट्टी निकली। ये दो कॉइन्स हैं जो निकले हैं वैक्यूम में, और इन कॉइन्स के अलावा ये इतनी जो है धूल निकली है। तो अभी मेरा सोफ़ा बहुत पुराना नहीं है, कोई उस पर दाग धब्बा नहीं है, तो इतनी भी बहुत है। और ये देखो, ये चेयर से निकला, ये जितना भी आप गंदा पानी देख रहे हो ना, जो उन्होंने चेयर धोई है उससे ये सारा गंदा काला पानी निकला है। तो इन्होंने फाइनली मेरी चेयर जो है वो क्लीन कर दी। सो आई एम हैप्पी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, और मैं एक और वीडियो के साथ जल्दी आऊंगी। अगर आप इसके अलावा भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।